जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय विज्ञान पाठ 11 है आपका प्रकाश छाया एवं परावर्तन। तो देखो बेटा, प्रकाश क्या होता है, उससे कौन कौन सी छायाएं बनती है और परावर्तन कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो प्रकाश से आप सब परिचित है बेटा, जो लाइट आती है हम उसको प्रकाश बोलते हैं। छाया, आप देखो बेटा, दिन में कभी चलते हो तो आपकी भी आपकी परछाई पड़ती है, नहीं पड़ती, किसी वस्तु की छाया पड़ती है। और परावर्तन क्या होता है वो हम इस अध्याय में देखेंगे। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तु देखते हैं। आपने देखा बेटा, आपके चारों ओर बहुत अलग अलग कलरों की क्या होती है, वस्तुएं होती है। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं देखते हैं। आप स्कूल आते हो तो आप कौन कौन सी वस्तुएं देखते हो बेटा, कार, बस, साइकिल, है ना, साइकिलें होती है, बहुत सारी पेड़ होते हैं, जंतु होते हैं, और कभी कभी आप कुछ फूल भी देखते हो जिसे हम पुष्प कहते हैं। अपने विचार आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं। अब बेटा, अगर इन्हीं वस्तुओं को हमको रात्रि में देखना हो, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, तब आप उसको देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। क्यों? क्योंकि रात्रि के समय हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो हमको कमरे में रखी हुई भी वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। तो आप देखते हो ना बेटा, अंधेरा होता है आपके घर पर तो आपको भी कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता ना, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लाइट जलाते हैं। आपको होमवर्क करना हो तो आप अंधेरे में कर सकते हो, नहीं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट जलाकर और होमवर्क करते हैं। तो देखो, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हम प्रकाश वस्तुओं को देखने में क्या करता है बेटा, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करते हैं। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। देखो बेटा, टॉर्च के अंदर भी आपने देखा है ना, आपके घर पर टॉर्च हो तो देखना आप आज, उसके अंदर क्या होता है, एक बल्ब होता है, वो बल्ब क्या करता है, प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है। अब सूर्य क्या है बेटा, आकाश के अंदर एक पिंड के रूप में वो पूरी पृथ्वी को क्या करता है, प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती है। हम दिन में थोड़ा ना टॉर्च लेके रास्ते पर निकलते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। मतलब जैसा सूर्य अपना खुद का प्रकाश हम तक फैलाता है, तो ऐसी और बहुत सी वस्तुएं होती है जो क्या करती है, खुद प्रकाश का उत्सर्जन करती है, हम उसको क्या कहते हैं बेटा, दीप्त कहते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे, इन्हें आप तभी देख सकते हो जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु में हो, जहाँ पर जैसे टॉर्च हो, सूर्य के प्रकाश में हो, या विद्युत का जब प्रकाश होता है, लाइट वगैरह, तो उसी में देख सकते हो ना, अंधेरे में देख सकते हैं नहीं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषिक वस्तुएं, कि कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होती है, मतलब आर पार देख सकते हैं, कौन सी अपारदर्शी होती है जिससे हमें आर पार नहीं दिखाई दे सकता, और कुछ ऐसी वस्तुएं जो होती है पारभाषी होती है। याद कीजिए, हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी में देखा था ना बेटा, पढ़ा था। एक दुकानदार के यहाँ पे हमको चॉकलेट के डिब्बे में चॉकलेट आर पार दिखाई देती या नहीं दिखाई देती, कुछ जैसे कुछ कपड़े भी ऐसे होते हैं जो आर पार दिखाई देते हैं, कुछ में नहीं दिखाई देता है। जो पतले कपड़े होते हैं उसमें भी आप आर पार देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, तो उनको हमने समूह में बांटा था बेटा। चलो फिर है, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह क्या हो जाता है बेटा, अपारदर्शी वस्तु। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हो, वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होने जाने देती है, तो हम पारदर्शी कहते हैं बेटा। पारदर्शी कब होता है, जब कोई वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। और जो वस्तु अपने में से प्रकाश को आर पार नहीं होने दे सकती, वो होती है अपारदर्शी। आप दीवार को देख सकते हो दूसरी तरफ, नहीं देख सकते ना, दीवार के एक साइड से दूसरी तरफ। आप प्लास्टिक की जो बॉटल होती है उसके आर पार आप देख सकते हो। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं, पर स्पष्ट रूप से नहीं, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वो आपका क्या होता है बेटा, पारभाषी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्रियाकलाप कर सकते हो। दीवार के आर पार देख सकते हो तो आपको दिखता है या नहीं दिखता, कांच ले सकते हो, ठीक है। अब एक छाया वास्तव में क्या होती है, अब हम पढ़ते हैं जो छाया होती है वो वास्तव में क्या चीज है, ठीक है, जो छाया है वो हमारी क्या है। तो देखो, अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप के जमीन से कुछ ऊपर तक एक एक करके पकड़िए। जो अपारदर्शी वस्तु है कौन सी बेटा, अपारदर्शी।
धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तु की छाया के कारण होता है। देखो बेटा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वस्तु की छाया बन रही है। आप चलते हो तो आपकी परछाई भी बनती है नहीं? कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हो। हम उसकी छाया देखकर पहचान सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ है। मान लो ये पेन, इस पेन को मैं यहाँ रख दूँ और इसकी अगर इस तरह से छाया बनती है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये पेन है। मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए, किसी सामान्य जानकर अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई में हाथ से इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने मित्र को छाया की बाहरी रेखा खींचने को कहे। तो देखो बेटा, कुछ इस तरह से ये शीट पर उस वस्तु की आकृति बन रही है और इस पर क्या कर रहे हैं हम, उसके आसपास क्या कर रही है, लकीरें खींची। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की भी हम क्या कर सकते हैं, बाहरी रेखा कर सकते हैं। आपने देखा बेटा, एक और क्रियाकलाप, जैसे रात्रि के समय, रात्रि के समय देखो हम टॉर्च चालू कर दे तो हमको वो लड़का दिखाई देगा, उसकी परछाई पीछे कांच में दिखाई दे रही है, पर्दे पर बनती है। आपने कुछ इस तरह से भी कार्य किए होंगे बेटा, है ना? लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों से अलग अलग, मान लो देखो मैंने यहाँ पर कुछ आकृति बनाई, अभी इसकी परछाई पीछे दिख रही है बेटा पेपर पे, देखो आपको दिखाई दे रही है ना, अभी इसलिए साफ नहीं दिखाई, देखो ये उंगली आई रही, तो ये परछाई इस किताब पे दिख रही है। तो ये आपको भी क्या होता है, सामने दीवार पर दिखती है, आपने इस तरह के कार्य किए कर रखे होंगे। तो ये क्या होता है बेटा, विभिन्न विभिन्न तरह की ये सारी हमारी क्या है, छाया है। क्या है? छाया है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी की वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर देती है। जैसे अब देखो यहाँ पर भ्रमित हो रही है, अब ये क्या दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, तो क्या ये रियल में कुत्ता है? नहीं, ये तो हमारा हाथ है। ये हमें क्या दिख रहा है, एक तितली जैसा, तो ये तितली है? नहीं, ये हमारे हाथ है। तो ये क्या करते हैं, कभी कभी एक भ्रम भी उत्पन्न करते हैं। अब देखो यहाँ पर विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छाया का हम अवलोकन करते हैं। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब लेते, जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं? नहीं बेटा, उनकी छायाओं के रंग भिन्न भिन्न नहीं होते। यदि आप बॉक्स लो तो बॉक्स के आकार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन छाया के कभी भी भिन्न नहीं होते। देखो यहाँ पर है सूची छिद्र कैमरा। शायद आप यह सोचते होंगे कि किसी कमरे में कैमरे को बनाने के लिए बहुत सी सामग्री चाहिए। नहीं, तो देखो यहाँ पर एक कैमरा बना है, एक बॉक्स लिया है, उस बॉक्स के यहाँ छेद किया है, उस बॉक्स को दूसरे बॉक्स के अंदर इस तरह से डाल दिया है, तो ये क्या हो जाता है, एक कैमरा बन जाता है। देखो यहाँ पर जैसे दो बॉक्स लीजिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे के भीतर अंतराल में खसक सके, दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक काट लीजिए। छोटा देखो बेटा दिख रहा है, एक यहाँ पर फलक काटा, ये वाला काटा, दूसरा ये काटा और फिर छोटा सा फलक काट दिया। फिर उस बॉक्स को क्या कीजिए बेटा, जिसकी भुजा 5 से 6 सेंटीमीटर हो, इस कटे भाग का ड्रेसिंग पेपर, जो ड्रेसिंग पेपर आता है पारदर्शी पर्दा, उसको चिपका दीजिए। देखो यहाँ पर क्या किया, एक पारदर्शी पर्दे को चिपका दिया। अब आप इस कैमरे के अंदर झांकिए, काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। अब सूची कैमरे के दूसरी ओर वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। तो आपको क्या करना है, इससे इमारत वगैरह के पर्दे को देखने का प्रयत्न करना है। तो आपको दिखाई देगा, तो हाँ हमें दिखाई देगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो देखो यहाँ पर सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिनमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। देखो बेटा ये तो प्रकृति भी एक सूची कैमरा की तरह, ये पारदर्शी हमको दिखाई दे रहा है बेटा, धुंधला अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना, तो वो हमारा होता है सूचीबद्ध कैमरा। आपको समझ में आया? देखो वास्तव में वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच ये खाली स्थान पर सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां बनती है। देखो बेटा खाली स्थान है, यहाँ पर देखो अलग 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 क्या बन रही है, आपकी आकृतियां बन रही है। तो आपको समझ में आया बेटा, है
है ना। अब देखो यहाँ पर एक क्रियाकलाप कर रहे एक लड़का और दो लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक तो सीधे पाइप से इसको देख रहा है, एक उल्टे से देख रहा है। तो किसको दिखेगा बेटा, जो सीधे पाइप है वो मोमबत्ती की लौ को देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में वो प्रकाश सीधा जाएगा। तो आपको समझ में आया बेटा छाया क्या होती है ना। अब हम पढ़ते हैं दर्पण और परावर्तन। तो हम सभी घर के दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप अपने घर पे दर्पण प्रयोग करते हो? हाँ। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हो, जो आप देखते हो वह दर्पण के आपके चेहरे का क्या है बेटा, परावर्तन है। परावर्तन क्या होता है, देखो यहाँ पर प्रकाश की किरणों का आकर लौटना, वो हमारा परावर्तन कहलाता है। वहाँ से ये दिख रहा है टॉर्च से यहाँ पर कांच पर की, तो वो टकराकर इसके शर्ट पर जा रहा है, तो इसका परावर्तन होता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों और अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। तो बेटा दर्पण के अंदर हम हमारा परावर्तन देखते हैं। तभी अगर परावर्तन नहीं होगा, जैसे सूर्य से आने वाले किरणों का भी क्या होता है बेटा, परावर्तन होगा। अगर परावर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, हमें ये वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। देखो जैसे यहाँ क्रियाकलाप किया है, यह क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। आपने किसी मित्र के कहिए कि वह एक हाथ में, देखो इसने क्या किया बेटा, मैं समझा देती हूँ, एक हाथ में दर्पण लिया, दूसरे को यहाँ खड़ा किया, तीसरा यहाँ, तीसरा इस दर्पण पर क्या कर रहा है, टॉर्च कर रहा है। तो जैसे उसने इस दर्पण पर टॉर्च की, तो ये प्रकाश यहाँ से होकर इसका परावर्तन हो गया, तो ये इस पे एक बिंब की तरह हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे आप कंघे से भी कर सकते हो, कंघे को रखो यहाँ, एक क्या करो, एक पर्दा रख दो, वो प्रतिबिंब आ जा रहा है, तो उसका देखो प्रकाश का परावर्तन, मतलब वो प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहा है। तो आपको समझ में आया बेटा परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का, है ना, परावर्तन हर तरह से होता है। तो आपको अब ये पाठ समझ में आया कि दर्पण क्या होते हैं, परावर्तन क्या होते हैं, पारभाषी, अपारदर्शी और पारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, ठीक है। और जो बेटा क्या होती है, प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन यदि हम वो किसी चीज़ से टकराता है तो उसका क्या होता है, वो बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। दर्पण और परावर्तन से हमें जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आपको समझ में आया बेटा कि सूची कैमरा हमने कैसे बनाया था, उसमें पारभाषी है ना वो लगा दिए थे, प्लेट लगा दी थी, तो हमको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर ये जो प्राकृतिक सूची कैमरा जहाँ छिद्र थे वह अलग अलग आकृतियाँ बन रही थी। फिर हमने देखा छाया के बारे में, ये तो हमने उसके बारे में, फिर हमने यहाँ पर देखा, देखो पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी वस्तुएं कौन सी होती है, छाया, अलग अलग ना आकृतियाँ अलग अलग उसकी छाया वस्तु की होती है। तो ये आपका बेटा यहाँ पर पाठ खत्म होता है, प्रकाश, छाया और परावर्तन। परावर्तन आपको समझ में आया, प्रकाश आपको पता है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और छाया है जो हमारे उन्हें हमें भ्रमित करती है, जो वस्तु है उनकी छाया है उनके पीछे या उनके नीचे बनती है। आया आपको समझ में? धन्यवाद बच्चों।